स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नेम, ठीक है। मैं कुछ साइंटिफिक नेम पर आज डिस्कस करूंगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, ओके, साइंटिफिक नेम, इसको आप सभी को नोट कीजिए। तो आज हम लोग साइंटिफिक नेम पर डिस्कस करेंगे, ओके। कुछ ऑर्गेनिक के साइंटिफिक नेम्स हैं, जैसे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन इज मैंगो। चलिए नंबर वन हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन, ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मनुष्य। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो, होमो सैपियन, SAPIEN, होमो सैपियन, ठीक है। होमो सैपियन लिख रहा है सबको, होमो सैपियन लिख रहा है, यस, होमो सैपियन है ना। ये हमारा साइंटिफिक नेम्स है ह्यूमंस, मनुष्य का, ह्यूमन मतलब मनुष्य, मनुष्य का साइंटिफिक नेम्स है होमो सैपियन, क्लियर है। अब चलिए हम नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं मैंगो। मैंगो, मैंगो का क्या है? मैंगनी फीरा, मैंगनी फीरा इंडिका, मैंगनी फीरा इंडिका, ओके, मैंगनी फीरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफीरा इंडिका, क्लियर है, दिख रहा है सभी को, रिप्लाई दीजिए। नो सर, क्लियर दिख रहा है ना, साफ से लिखा हुआ है। देखिए मैंगो का मैग्निफीरा इंडिका, MAGNIFERA, फीरा, मैग्निफीरा इंडिका, ओके। फटाफट लिखिए इसको, मैग्निफीरा इंडिका। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं लायन। देखिए लायन, लायन का क्या होता है? लायन, लायन का होता है पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो, ठीक है। इसके बाद लिखिए टाइगर, टाइगर का आता है पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। लायन, टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का साइंटिफिक नेम्स पैंथेरा टिग्रिस, ओके, इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, क्लियर दिख रहा है, ओके, पैंथेरा टिग्रिस, ओके। फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट लिखिए, टू फास्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट साइंटिफिक नेम पर डिस्कस करेंगे, जल्दी लिखिए इसको। ओके, तो समझ में आ गया, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियन, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका है ना। लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो,
पैंथेरा लियो, और टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, दोनों का सेम जेनस है। यहाँ पर जेनस दोनों का सेम है, ठीक है, इसलिए पैंथेरा पैंथेरा है। अंडरस्टूड? इसमें लास्ट वाले टर्म्स को बोलते हैं स्पीसीज। ये लास्ट वाला जितना भी टर्म्स है ना, ये जितना भी टर्म्स है, ये क्या कराता है, ये सबको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज लास्ट वाले टर्म्स को स्पीसीज बोला जाता है। और ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोला जाता है जेनस। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? जेनस। अंडरस्टूड? फर्स्ट टर्म का नाम क्या है? स्पीसीज। और ये लास्ट टर्म को बोलते हैं जेनस। मैंगो का है मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। अंडरस्टूड? मैग्निफेरा इंडिका। इसको नोट कर लीजिए। और साइंटिफिक नेम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्पीसीज, और उसके बाद वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है जेनस। जेनस और स्पीसीज, ओके, इसको नोट कीजिए। यस, अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ फ्रूट्स के नाम का डिस्कशन करेंगे, कुछ फ्रूट्स के नाम का साइंटिफिक नेम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके अंडरस्टूड? अब हम लोग आगे चले, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? मैलस कुमीरा। ओके, मैलस कुमीरा। अब देखिए सिक्स नंबर में आइए, सिक्स नंबर में आइए, पपाया। पपाया, पपाया का क्या है? कैलिका पपाया, कैलिका, कैलिका पपाया, कैलिका पपाया। पपाया का साइंटिफिक नेम क्या है? कैलिका पपाया। इसको नोट कीजिए, पपाया का साइंटिफिक नेम है कैलिका पपाया। कैलिका पपाया, इसको नोट कर लीजिए। पपाया का क्या है? कैलिका पपाया। एप्पल का है मैरिस कुमीरा, मैरस कुमीरा। एप्पल का है मैरस कुमीरा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पिकॉक। पिकॉक का ये पागो, पागो क्रिस्टेटस। पागो क्रिस्टेटस, पागो क्रिस्टेटस। पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पागो क्रिस्टेटस। अंडरस्टूड? पागो क्रिस्टेटस, इसको नोट कीजिए। पागो
पावोक्रिस्टेटस, पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पावोक्रिस्टेटस। यस, याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा पावोक्रिस्टेटस। फिर एप्पल का है मैलस कुमिला, मैलस कुमिला, और पपाया का है कैरिका पपाया, पिकॉक का है पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस। यहाँ तक सबका हो गया, अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, सभी ने लिख लिया, सभी के हो गए, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कैनिस फैमिलियरिस, है ना, कैट का लिखिए फेरिस कैटस, कैट का लिखेंगे फेरिस, फेरिस कैटस, कैटस, ओके, कैट का क्या होगा फेरिस कैटस, नोट कीजिए इसको। कैट का फेरिस कैटस, अब लिखिए काऊ का है, काऊ का लिखेंगे बॉस टॉरस, बॉस टॉरस, है ना, कैट काऊ का क्या होगा बॉस टॉरस, बॉस टॉरस, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, पाइनएप्पल क्योंकि टाइगर और लायन का सेम जेनस होता है, टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस और लायन का होता है पैंथेरा लियो, दोनों का जो जेनस है वो सेम है, ठीक है ना। चलिए अब इसका लिखिए, पाइनएप्पल का है अनानास, अनानास कोमोसस, नोट कीजिए इसको। ये कुछ हमने एक्स्ट्रा बताए हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा है ये साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके। नोट कर लीजिए,
ओके अंडरस्टूड, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Understood? Any doubts? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, नो डाउट्स। अब हम लोग बेसिकली कुछ सेल्स, इसके बाद हम लोग सेल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल्स हमारा बॉडी की चीज से बना हुआ है, किस सेल से बना हुआ है, सेल का डिस्कवर किसने किया, कब किया, है ना, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यानी सबको समझ में आ गया? नो एनी डाउट्स, सब समझ गए? लिख लिए सब कोई, रिप्लाई लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, कुछ हम लोग आज बेसिक सेल्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सेल, अब सेल के बारे में थोड़ा बेसिक चीज जानी है। सेल, ठीक है, सेल जो वर्ड है ये एक सेलुलर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्रिकेट रूम, है ना। यहाँ सेल हैज बीन राइट फ्रॉम सेल, अब यहाँ पर लिखेंगे द वर्ड सेल has been derived from Latin word cellula, cellula, है ना। सेल जो है वो लैटिन में कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, which means a little room, है ना। इसका मतलब क्या होता है, a little room। सेल किस वर्ड से डिराइव किया गया है, याद रखिएगा, सेल डिराइव किया गया है लैटिन सब सेलुला से, जिसका मतलब होता है a little room, ठीक है। देखिए, ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊँ सेल्स के बारे में, ठीक है। ये जो सेल जो वर्ड जो लाया गया, ये कहाँ से लाया गया, ये सेलुला वर्ड से लाया गया, कहाँ से लाया गया, सेलुला वर्ड से लाया गया, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। अंडरस्टूड, ये सेल्स वर्ड्स आए। अब सेल का डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर्ड सेल, तो इन द ईयर 1665, देखिए इन द ईयर 1665, इन द ईयर 1665, an English scientist, याद रखिए, in the year 1665, a scientist named Robert Hooke, है ना, डिस्कवर्ड सेल, इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया।
ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। इन द ईयर 1665 साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ओके, इसको नोट कीजिए। ठीक है, सेल्स वर्ड कहाँ से लाया गया? सेल वर्ड ये सेलुला से लाया गया है, रैकेट में सेलुला, जिसका मीनिंग होता है रिट्रीट रूम। ओके, डिस्कवर्ड सेल। अब देखिए, हो गया, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है ना, तो यानी यूनिसेलुलर उसको बोलते हैं जो एक सेल से बना हुआ है, और जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, मेनी सेल से जो बने हुए हैं, उनको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेल को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उस ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में लिखेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, दैट डील्स us study about cell. okay, जिस ब्रांच में हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी। On the basis of number of cells, organisms are classified into two groups, on the basis of number of cells, organisms are classified into two groups. Number one is unicellular organism. And number two is multicellular organism. Multicellular organism. लिख रही है इसको unicellular and multicellular. Unicellular means जो एक सेल से बना हुआ है, जैसे अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब unicellular हो गया। Multicellular वो हुए जो मेनी सेल से बने हुए, जैसे ह्यूमन हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, ये सब मल्टीसेलुलर। Mm-hmm.
चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल है ना, यूनि का मतलब वन। यूनि मीन्स अब लिखेंगे यूनि, यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल है ना, यूनि का मतलब वन। मल्टी का मतलब होता है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब क्या होता है मेनी होता है। इसको नोट कीजिए, मल्टी का मतलब मेनी। तो यानी यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना है, ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ वन सेल, जो एक सेल से बना हुआ है वो यूनिसेलुलर है, जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है वो मल्टी सेलुलर है, यानी मेनी सेल्स वो मल्टी सेलुलर हो गया। ओके हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए यूनिट डिस्कस करते हैं। देखिए यूनिसेलुलर, बने होते हैं, इनके कोई डिफरेंट शेप नहीं होते हैं। अब मल्टी सेलुलर में देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहां भी ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म which is made up of many cells. Okay, known as multicellular organism. Example mein kya human, cat, dog, etc. ये सब ठीक है। Understood? इसको नोट कर लीजिए।
Okay.